क्या रूही तोड़ा पाएगी अबीरा और अरमान की शादी? वो डिवोर्स दिला पाएगी या नहीं? वो जो प्लान बना रखा है उसके सामने अबीरा ने ही बता दिया कि तू चाहती है कि हम और अरमान हैं वो दोनों डिवोर्स लेकर के अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा ये प्लान कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें सुनकर के रूही काफ़ी ज़्यादा और भी इरीटेट हो जाने वाली है। फिर वह अरमान को ले जाती है अपने पास और कहती है कि पता नहीं तुम क्या चाहते हो, तुम साफ साफ क्यों मना नहीं कर देते? तभी अरमान कहता है कि मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ तुम दोनों के चक्कर में। जहाँ अब अबीरा होटल में ये सोच रही है कि अरमान मुझे किसी भी हालात में डिवोर्स नहीं देने वाला, इसीलिए वह रूही को अपना क्लोज फ्रेंड तो मानती है लेकिन उससे कुछ ज़्यादा बातें भी शेयर नहीं करता। वैसे पौधदार खानदान की दादी सा की टेंशन है इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि जो बार बार कॉल कर रहा है वो कौन हो सकता है आपके अनुसार, और अबीरा को भी उसी की वजह से इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा। अब अगला उसका टारगेट क्या होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।